नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते ही यहाँ पर कितना आएगा, 13-6 यानी कि 7, यहाँ पर 14-6 यानी कि 8। अगर कभी आपसे कोई लॉजिकली पूछ ले कि आइसोटोप्स की मास अलग अलग होते हैं, बिल्कुल सही है, ऐसा क्यों होता है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बदल जाता है इसलिए उनका एटॉमिक मास भी बदल जाता है। क्लियर है? आइए एक दो और एग्जांपल आप देख लीजिए। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, 17Cl35 एंड 17Cl37। यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा, 18, जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना आएगा, 20। 37-17 = 20। तो देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो गया क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बदल रहा है इसीलिए एटॉमिक मास भी बदल रहा है। यहाँ पर कितना है, 35, यहाँ कितना है, 37। और इसीलिए ऐसे टर्म्स को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं 5B10, 5B11 बोरॉन के, आर्गन के तीन होंगे, 18Ar36, 18Ar38 एंड 18Ar40। आपको जो याद रखना है वो ये है, हाइड्रोजन है थ्री आइसोटोप्स, ये आपको माइंड में उसे बैठ जाएगा, नहीं भी बैठता है तो आपको याद कर लेना, क्योंकि जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तो वहाँ पे इनका काफ़ी यूज है, बहुत ज़्यादा यूज है, तो आपको ये पता होना चाहिए। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स, 1H1, 1H2 एंड 1H3। यहाँ देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आप निकालेंगे तो जीरो है, यानी कि इसमें कोई न्यूट्रॉन्स ही नहीं होता। इसमें अगर आप बात करें तो 1 आएगा, इसमें बात करें तो 2 आएगा, आएगा ना, 1-1 = 0, 2-1 = 1, 3-1 = 2। ये जो 1H1 है इसका नाम होता है प्रोटियम, क्या बोलते हैं हम इसको, प्रोटियम। इसी तरह 1H2 को हम बोलते हैं ड्यूटेरियम एंड 1H3 को हम क्या बोलते हैं, ट्रिटियम। आपको ये पता होना चाहिए, कर सकते हैं। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि इन तीनों आइसोटोप्स में प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में कौन भारी होगा, तो बता सकते हैं, हाँ कौन होगा, दैट विल बी ट्रिटियम। क्यों? क्योंकि इसकी एटॉमिक मास कितनी है, 3 है, बाकी सबके एटॉमिक मास 1 और 2 है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आइसोबार। देखिए आइसो का मतलब फेसेस थीम, बार का मतलब था मास, यानी कि इस बार जो एटॉमिक मास है वो तो सेम हो जाएगा, फिर डिफरेंट क्या होगा, हाँ बहुत सिंपल, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। आइए देखते हैं, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव द सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। आइसोबार्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि ये अलग अलग एलिमेंट्स के होते हैं, आइसोबार्स अलग अलग एलिमेंट्स से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो उनका एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, और अगर अलग अलग उनका एटॉमिक नंबर है तो बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होगा, अलग अलग ही हो जाएगा। यानी इस केस में इनके एटॉमिक नंबर तो अलग अलग हो जाते हैं लेकिन एटॉमिक मास सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 18Ar40, एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक मास 40। इस केस में देखिए 19Po40, एटॉमिक मास फिर से 40 लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, क्या हो गया, 19। अब ध्यान से देखिए तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको कितना मिल गया, 18। यहाँ पर नंबर प्रोटॉन्स कितना मिला आपको, 19, और यहाँ पर नंबर प्रोटॉन्स कितना मिलेगा आपको, 20। तो देखिए एटॉमिक मास तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट कर रहा है, और एटॉमिक नंबर क्यों डिफरेंट कर रहा है, बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर चेंजिंग। ऐसे आप देख सकते हैं 6C14 एंड 7N14 कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, बट मास देखिए 14 एंड 14, ये कार्बन का आइसोटोप लिया गया है, उससे क्या फर्क पड़ता है, मास तो सेम है ना, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इट मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार्स। नेक्स्ट हमारा आइसोटोन्स। हाँ, सम एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सच एटम्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स।
आइसो का मतलब सेम, टोन्स का मतलब न्यूट्रॉन्स। हाँ, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो, सेम हो, दे आर नोन एज आइसोटोन्स। फॉर एग्जाम्पल 14 सिलिकॉन 30, 15 फॉस्फोरस 31 एंड 16 सल्फर 32। यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालिए, 30 माइनस 14 यानी कि 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 31 माइनस 15 यानी कि 16, 32 माइनस 16 यानी कि अगेन 16। सिंस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज सेम, सिंस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज सेम, देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज एग्जांपल ऑफ आइसोटोन्स। नेक्स्ट है आयंस। चलिए आयंस को पढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से आपको तीनों रिवाइज करा देते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? हाँ, ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, दे आर नोन एज आइसोटोप्स। फिर होता है आइसोबार्स, कुछ ऐसे भी एटम्स हैं जिनके एटॉमिक मास तो सेम हो जाता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहता है। जबकि आइसोटोन्स वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा आयंस। आयंस क्या है आप लोगों को पहले से पता होगा, फिर भी जो भी चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे उन्हीं को हम आयंस कहते हैं। और कोई भी एटम पे चार्ज तभी आएगा जब या तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा हो या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा हो। अगर कोई अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है उस केस में उसके ऊपर हमेशा प्लस चार्ज आएगा। क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। अगर वो किसी के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो उस केस में उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं आयंस क्या होते हैं। आयंस आर द पार्टिकल्स हैविंग नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज। आयंस क्या होते हैं? आयंस वो पार्टिकल्स होते हैं जिसके ऊपर कोई ना कोई नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज हो, यानी कि जीरो ना हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स आर नोन एज आयंस। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, कैटायंस एंड एनायंस। अब कैटायंस क्या होते हैं? अ पॉजिटिवली चार्ज आयन। अब देखिए पॉजिटिवली चार्ज कौन रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया या जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया? हाँ, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर नोन एज कैटायंस। इट इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसी। अब ये जो डिफिशियंट स्पीसी है, डिफिशियंट का मतलब आप समझ लीजिए, डिफिशियंट का मतलब शॉर्टेज, यानी कि जो कैटायंस होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए स्टार्टिंग में जब एटम रहा होगा वो तो न्यूट्रल रहा होगा, यानी कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम थे। कि कैटायन कब बना होगा? हाँ, जब इसने इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दिया होगा, क्योंकि अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया किसी को, इसलिए इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? कम हो गए। और हम इसको क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसी कह सकते हैं। स्पीसी का मतलब था पार्टिकल्स। अब इसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन सब आ जाते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं सोडियम प्लस। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, यानी कि न्यूट्रल केस में 11 प्रोटॉन्स होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन और लिया या एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को? हाँ, अपने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, यानी इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? सिर्फ 10, 11 होने चाहिए थे जिसमें से एक ही किसी को दे दिया, यानी कितना बचा? 10। कैल्शियम की बात करिए, एटॉमिक नंबर 20, यानी कि न्यूट्रल केस में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना रहा होगा? 20 20। लेकिन 2 प्लस का मतलब क्या हुआ? ये दो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, 20 इलेक्ट्रॉन्स तो होने चाहिए थे लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, यानी कितने होंगे? 18। कर सकते हैं, चलिए आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब भी आपको प्लस चार्ज देखने को मिल जाए तो आप क्या करिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से उसको माइनस कर दीजिए। अगर आपको माइनस चार्ज दिख जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में उसको प्लस कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा एनायंस। अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज नोन एज एनायन, इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी। अब देखिए एनायंस कौन होंगे? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किए होंगे, यानी कि मान लीजिए मेरे पास क्लोरीन है, पहले हम क्लोरीन एटम की बात करेंगे, यानी कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17, न्यूट्रॉन्स की तो खैर अभी बात ही नहीं करनी, क्लियर है?
हाँ, न्यूट्रल केस में एटॉमिक नंबर 17 होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स दोनों कितने रहे होंगे 17। अगर हम बात करें Cl- की, तो देखिए Cl- का मतलब क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, माइनस है ना, माइनस मतलब इसने खुद इलेक्ट्रॉन लिया है। पहले कितने थे इसके पास 17, एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितना हो गया ये 18। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी कितना रहेगा 17 ही रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं होता। इसीलिए हमने कहा था एटॉमिक नंबर को आप हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से रिलेट करिए, वो हमेशा ट्रू रहेगा। कर सकते हैं, चलिए बताइए O2- में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा? हाँ फटाफट बोलिए, सही है कितना 10। कैसे पता चला? देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आप देखें तो कितना आएगा 8, 2 माइनस है यानी कि दो इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सिंपल। अगर आपको ऐसे दिक्कत होती है तो आप याद रखिए, मान लीजिए आपको क्लोरीन निकालना है तो क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17, ठीक है, ये माइनस है ना तो इसमें प्लस कर दीजिए, कितना है 1, कितना आ जाएगा 18। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रहे अगर आप ऐसे करते हैं तो इस केस में आपको रिवर्स यूज करना, माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है। नेक्स्ट हम हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स, आइसो का मतलब फिर से सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कुछ ऐसे भी स्पीसीज या पार्टिकल्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं सेम हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई है तो उस स्पीसी को हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स कहते हैं। देखिए क्या है वो, द केमिकल स्पीसीज विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, कोई एक ऐसा केमिकल स्पीसी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सेम हो, दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और आयन्स। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं लिथियम, इस पर कोई चार्ज नहीं है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए होंगे 3, एटॉमिक नंबर के इक्वल। बेरिलियम कितना था 4, प्लस 1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया डोनेट किया तो कितना बचा 3। बोरॉन 2 माइनस, बोरॉन के एटॉमिक नंबर 5, यानी कि नॉर्मल केस में 5 होते इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्लस यानी दो इलेक्ट्रॉन इसने भी दे रखे हैं तो कितना बचा 3। अब ध्यान से देखिए, क्या सभी स्पीसीज के लिथियम बेरिलियम प्लस और बोरॉन 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं क्या 3-3? हाँ, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, हम इनको क्या कह सकते हैं, दे आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ऐसे आप दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, सोडियम प्लस, सोडियम न्यूट्रल केस में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक प्लस का यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया कितना बचा 10। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, 2 प्लस यानी दो इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए तो कितना बचा 10। नियॉन न्यूट्रल केस है यानी कि 10 ही रहेगा। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है, माइनस 1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और इसने ले लिए कितना हो गया फिर से 10। ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 माइनस यानी दो इलेक्ट्रॉन और लिया इसने तो कितना हो गया 10। ध्यान से देखिए, क्या सभी स्पीसीज के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं ना, सो दीज आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और टर्म है आइजोस्टर्स, अब ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइजोस्टर्स। हाँ, ये थोड़ा सा नया है, बस आप जानते रहिए, ज़्यादा इसके लिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आइजोस्टर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही क्या हो, सेम होने चाहिए। कैसे, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड नंबर ऑफ एटम्स होता है ये कितना आएगा, एक एटम कार्बन, दो एटम ऑक्सीजन यानी कि 3, दो एटम नाइट्रोजन, एक एटम ऑक्सीजन यानी कि 3। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल वेरीफाई हो गया। अब क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। कार्बन न्यूट्रल केस है यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन 8 होता है लेकिन 2 है तो 8 जा 16, 16 प्लस 6 यानी कि 22 इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल केस है तो 9 प्लस करना है ना माइनस करना है। नाइट्रोजन के एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7 टू जा 14, और ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 22। आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 22 यानी कि सेम आ गया। यानी कि ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनके नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो। अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाता है तो आप उसे क्या कहेंगे,
आइजोस्टर्स कहेंगे। क्लियर है? चलिए आइए अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग स्पीसीज। हमें प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन तीनों के ही नंबर्स कैलकुलेट करना है देख के, तो बस फटाफट कर लेंगे। क्या है इसमें? देखिए, ये हमें नोटेशन दिया हुआ है, पता है ये जो नीचे लिखा हुआ नंबर है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर कह लीजिए। तो एटॉमिक नंबर ही क्या देता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए यहाँ पर? 11, क्योंकि इसके ऊपर कोई ओवरऑल चार्ज नहीं है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 11। अब देखिए न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल लेंगे, इसमें इसको माइनस करके 23 - 11 यानी कि 12, बस हो गया। बताइए इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? 24 - 12, वो भी कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब ये कुछ आपके लिए होमवर्क हैं, आप इन होमवर्क को ट्राई करेंगे। अच्छा, इसके साथ कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए 13 एल्युमिनियम 3+27, कई बार जब हमें यहाँ पे चार्ज देखने को मिल जाता है तो उस केस में यहाँ पे जो एटॉमिक मास होता है उसको उड़ा के इधर ले आते हैं। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? एटॉमिक नंबर यानी कि 13 के इक्वल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? न्यूट्रल केस में कितने होते हैं? 13, इसी के इक्वल होते हैं। लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है, इसके ऊपर 3+ चार्ज है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका है, तो कितना बचा होगा फिर? सिर्फ 10। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए कैसे निकालते हैं? इसमें से इसको माइनस करके, यानी कि वो कितना आएगा? 14। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आप एक क्वेश्चन फिर से ट्राई करिए खुद से। देखिए 16 सल्फर 2 - 32, बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आएंगे? 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल केस में कितना होता? 16, क्योंकि 2 माइनस चार्ज है, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए किसी से, तो कितने हो गए? 18। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? 32 - 16 यानी कि 16। कर सकते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाइन द प्रॉपर सिंबल फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज विद गिवन डेटा। यानी कि इस बार आपको ये डेटा दिया हुआ है और आपको सिंबल खुद बनाना है उससे, यानी कि ऊपर वाले केस का ठीक रिवर्स केस है। क्या दिया? देखिए प्रोटॉन्स 9 है, यानी कि एटॉमिक नंबर तो कंफर्म है, कौन होगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है? फ्लोरीन का, तो आपने लिख लिया यहाँ पर फ्लोरीन। ठीक है, अब क्या दिया? इलेक्ट्रॉन्स 10 है, इलेक्ट्रॉन्स 10 है, नॉर्मल केस में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 9, 10 है यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर? माइनस चार्ज, यानी कि आप यहाँ लिख लीजिए 9F-। अब देखिए क्या दिया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 10 दिया है, हमें एटॉमिक मास निकालना है। तो एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं हम? हाँ, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं, तो प्रोटॉन्स कितना है? बस 9, न्यूट्रॉन्स कितना है? 10, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 19। कर सकते हैं? नेक्स्ट है आपके पास, देखिए प्रोटॉन 39, यानी कि एटॉमिक नंबर तो आपको कंफर्म हो गया 19, एटॉमिक नंबर 19 किसका होता है? पोटेशियम का, तो K लगा दिया आपने। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स 18, न्यूट्रल केस में जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी कि 19 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि हो कितने रहे हैं? 18, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे रखा होगा, इसलिए प्लस चार्ज। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 20, और एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? इसको और इसको ऐड करके, यानी कि वो कितना आ जाएगा? 39। ये बन गया हमारा कंप्लीट आंसर। तो आपके लिए कुछ होमवर्क हैं, ठीक है, कितने 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप घर पर ट्राई करेंगे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या दिया है, इफ द वेट ऑफ जिंक एटम इज 70U एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 30, देन व्हाट विल बी द एटॉमिक वेट ऑफ जिंक 2+। बहुत सिंपल है, क्या जिंक और जिंक 2+ में क्या चेंज हुआ होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के इक्वल रहा होगा, 2 प्लस का मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। और हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होने से एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आता, वो बिल्कुल सेम रहेगा। यानी कि जितना एटॉमिक मास जिंक एटम का होगा उतने ही एटॉमिक मास जिंक आयन का भी होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कितना आंसर आ गया फिर से 70U, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ, आप बताइए। अगर मैं ऑक्सीजन के मास पूछूं तो कितना बताएंगे आप? 16U। अगर मैं ऑक्सीजन 2- का मास पूछूं तो भी आप कितना बताएंगे? 16U ही बताएंगे। क्लियर है ना? हाँ, ये जो चार्ज बढ़ रहा है, इस चार्ज के बढ़ने या घटने से एटॉमिक मास पे कोई भी डिफरेंट नहीं देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें, आप कर सकते हैं। ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, द मास नंबर ऑफ 3 आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर 10, 12 एंड 14 यूनिट्स, देयर परसेंटेज अबंडेंस इज गिवन 80%, 15% एंड 5%, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट। तो पता है हमने एवरेज एटॉमिक वेट का जो फॉर्मूला पढ़ा था एम एवरेज, वो क्या होता है, M1A प्लस M2B प्लस M3C प्लस सो ऑन, लेकिन हमें तो तीन ही लेना है तो यहीं तक रखेंगे, अपॉन में A प्लस B प्लस C। ये A प्लस B प्लस C की वैल्यू हम इग्नोर कर देते हैं कब, जब हमें परसेंटेज दिया हो। क्यों? क्योंकि A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी आ जाती है, 100%, और हमें अच्छे से पता है 100% की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला, एम एवरेज इज इक्वल टू M1A प्लस M2B प्लस M3C। अब देखिए पहला मास कितना दिया है, 10, ठीक है, तो आप लिखेंगे M1 की वैल्यू 10, यहाँ लिख दीजिए 10। ओहो, देखिए 10 इंटू 80% प्लस M2 का मास का अब दिया 12 इंटू कितना परसेंट दिया, दैट इज 15% प्लस 14 इंटू 5%। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जगह 10 इंटू 80/100, परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन 100 आएगा, प्लस 12 इंटू 15/100 प्लस 14 इंटू 5/100। इसको सॉल्व करेंगे 1, 2, 1, 2 पूरा कैंसिल हो गया, क्या मिला यहाँ से आपको 8। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो देखिए 180 सो सॉल्व करें तो हो जाएगा 1.8, आप करके देख लीजिएगा 70, यानी कि ये 0.7। अब आप इनको ऐड कर देंगे, देखिए क्या हो जाएगा 9, 10, ये वैल्यू आ जाएगी 10.5 यूनिट्स, क्योंकि यूनिट इसमें पहले से मेंशन नहीं था तो हम यूनिट्स ही लिख के छोड़ देंगे। आंसर चेक कर लीजिए, देखिए 10.5 यूनिट्स। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करेंगे आराम से हो जाएगा। चलिए आपके लिए दो क्वेश्चन और है, आपको एक नई चीज़ यहाँ पर सीखने को मिलेगी, देखिए क्या है वो। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, आपसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ड्यूटेरियम इन हैवी वाटर। वाटर का फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है, दैट इज H2O। और अगर आपसे कभी कोई हैवी वाटर पूछ ले तो हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O, यानी कि हाइड्रोजन के जब हम उसका आइसोटोप यूज करते हैं, वो भी कौन सा, सेकेंड वाला, ड्यूटेरियम। क्लियर है? तो पूछ रहा है इसमें परसेंटेज मास ऑफ ड्यूटेरियम निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है, इसका मास अपॉन टोटल मास इंटू 100%, सॉल्व कर देंगे आ जाएगा। चलिए एक और ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपका चैलेंज क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका ऑप्शन जो सही होगा उसको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट थैंक यू सो मच।